जी हां नमस्कार प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का बिहार अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर प्यारे साथियों यदि आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यूपी बिहार कहीं से भी तो प्यारे साथियों आप बिहार अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के साथ जुड़कर अपने इस सपने को पूरा कर सकते हैं प्यारे साथियों आपको तो पता ही होगा कि यूपी में भी अब जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा है उसके फॉर्म अप्लाई करने की तारीख को बारह मई तक बढ़ा दिया गया है प्यारे साथियों यदि आप दूसरे स्टेट से भी हो जैसे कि बिहार से प्यारे साथियों बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के फॉर्म अभी हाल ही में भरे जा रहे हैं तो आप हमारी इस कक्षा से जुड़ सकते हैं और प्यारे साथियों अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी यहां पर जोड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि कितना बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड आज भी आपको जो सवाल करवाने वाले हैं वो 100 प्रतिशत एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे 100 प्रतिशत एग्जाम रिलेटेड रहेंगे जो जो आपके जो आपके पेपर में पहले पूछे गए इस तरीके के सवाल रहेंगे उन्हीं पर बेस रहेंगे चलिए प्यारे साथियों आप ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं सवालों की तरफ सवालों की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों चलिए ये रहा हम आपको पढ़ा रहे थे प्यारे साथियों प्यारे बच्चों हम आपको ये पढ़ा रहे थे हम आपको जो पढ़ा रहे थे वो पढ़ा रहे थे घातांक और करणी के सवाल और उन्हीं सवालों को अब आगे बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों ठीक है चलिए बताइए गजरा इस वाले सवाल का उत्तर एक बार दिमाग लगाइए सभी बच्चे एक बार सभी बच्चे दिमाग लगाएंगे प्यारे साथियों इसमें और सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा है प्यारे साथियों इसके इसका हम पढ़ा रहे थे बताइए जल्दी से गुड मॉर्निंग इंजीनियर एली व्लॉग्स अंजलि जी गुड मॉर्निंग ठीक है बताइए प्यारे बच्चों आप इसका उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों आप बताइएगा जरा इसका उत्तर क्या होगा 16 की पावर 0.16 16 की पावर 0.04 2 की पावर 0.2 ठीक है आपको इसका वैल्यू बताना है सुनिए जरा इसे मैं क्या लिख सकता हूं प्यारे साथियों सबको एक जैसी पावर में यदि हम कर लेंगे तो करना बहुत आसान होगा हमें इस क्वेश्चन को समझना बहुत आसान होगा यहाँ दिक्कत क्या है इस वाले सवाल में? इस वाले वाले सवाल सवाल में में जो दिक्कत है प्यारे बच्चों वो ये है कि यहाँ यहाँ भी सिक्सटीन है और यहाँ दो है सबका बेस एक जैसा करना पड़ेगा प्यारे बच्चों सबका बेस कैसा करना पड़ेगा सबका बेस हमें एक जैसा करना पड़ेगा अब यहाँ पर क्या है गुड मॉर्निंग आयुष राज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सबका बेस प्यारे बच्चों हमें एक जैसा करना पड़ेगा अब यहाँ बेस अलग है यहाँ अलग है और यहाँ अलग है हर किसी का बेस अलग अलग है तो हमें सबका बेस क्या करना पड़ेगा एक जैसा करना पड़ेगा प्यारे बच्चों सुनिए जरा ध्यान से तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं प्यारे बच्चों ये सिक्सटीन है ना आपको पता ही होगा सिक्सटीन के फैक्टर आपको 16 के फैक्टर पता ही होगा दो से काटिए आठ आएगा दो से काटिए कितना आएगा चार आएगा दो से काटोगे कितना आएगा दो आएगा और दो से काटोगे कितना आएगा एक आएगा 16 का मतलब क्या हुआ 16 का मतलब हुआ दो दो और दो यही तो हुआ 16 का मतलब क्या हुआ दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो यही तो हुआ मतलब दो की पावर तो चार लिख सकता हूँ ना प्यारे बच्चों में से क्या लिख सकता हूँ दो की पावर चार सोलह को मैं क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों दो की पावर चार लिख सकता हूं अब सुनिए उसकी पावर क्या दे रखी है मुझे उसकी पावर दे रखी है ये जीरो पॉइंट यहां भी मैं सोलह को दो की पावर चार लिख सकता हूँ यहां भी सोलह को दो की पावर चार लिख सकता हूं उसकी पावर क्या दे रखी है जीरो पॉइंट जीरो फोर ठीक है प्यारे बच्चों और यहाँ पर दो की पावर क्या यहां तो पहले से ही दो की पावर है तो इसे तो ऐसे ही लिख दो जीरो पॉइंट टू अब सबके सबके बेस, सब आधार, अब जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अब सबके बेस और सबके आधार प्यारे बच्चों एक जैसे हो गए अब हम इसमें आसानी से क्या कर सकते हैं सबकी घात को जोड़ सकते हैं सबकी घात जब ही जुड़ेगी प्यारे बच्चों कि जो सबके आधार समान हो यदि सबके आधार समान होंगे घात सबकी तभी जुड़ेगी प्यारे बच्चों क्या आप समझ पा रहे हैं सुनिए सुनिए ध्यान से पहले तो एक बात बताओ पहले कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी ध्यान सुनिए जरा मैंने कल भी प्यारे बच्चों आपको एक बात बताई थी क्या बात थी वो अगर मैं टू की पावर एम की पावर एन अगर ब्रेकिट लगा के दूसरी पावर कर दूं इसका मतलब ये वाली पावर और ये वाली पावर गुणा में है इसका मतलब क्या होगा टू की पावर एम एन होगा इसका मतलब क्या होगा टू की पावर एम एन होगा ऐसे आप इन दोनों की गुणा कर दो भैया गुणा ये इस वाली पावर की और इस वाली पावर की क्या हो रही है गुणा हो रही है तो तुम भी गुणा करो भैया एक ब्रेकिट के अंदर एक ब्रेकिट के बाहर है यानी कि टू की पावर कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों सोलह चौका चौसठ मतलब मैं इसे लिख सकता हूं जीरो पॉइंट सिक्स फोर पॉइंट तो आएगा पॉइंट नहीं हटेगा क्योंकि यहां दो के बाद पॉइंट आ रहा था तो यहां भी दो के बाद पॉइंट आया समझ रहे हो सभी सुनो अब जरा इसकी गुणा ये भी दोनों गुणा में होगी पावर तो दो की पावर कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों बताइए चार चौका सोलह मतलब छ हुआ हासिल का एक लगा ठीक है और चारीरो हासिल का मतलब ये आ जाएगा याद पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है पावर ध्यान से देखो जीरो पॉइंट टू है क्या है जीरो पॉइंट टू है इसको अगर जैसे जीरो पॉइंट टू लिख रहा है सुनो एक बात बताता हूँ तुम्हें जैसे जीरो पॉइंट पांच लिख रहा है तो तुम है ना इसे ऐसे भी लिख सकते हो जीरो पॉइंट पांच और इसके आगे चाहे जितनी जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पॉइंट के बाद में कोई नंबर लिख रहा है उसके आगे आप चाहे जीरो लगा लो कोई फर्क प्यारे बच्चों उससे नहीं पड़ता तो आप सबकी पावर क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी क्योंकि सबके बेस एक जैसे तो जोड़ दो प्यारे बच्चों सबकी पावर आप यहां जीरो भी तो लगा सकते हो चौंसठ और सोलह अस्सी और इसमें जोड़ेंगे प्यारे बच्चों जीरो पॉइंट सिक्स फोर प्लस जीरो पॉइंट वन सिक्स प्लस जीरो पॉइंट टू जीरो सब ऐड हो जाएंगे प्यारे बच्चों और सब ऐड होकर के क्या आ जाएगा टू की पावर वन आ जाएगा और टू की पावर वन की वैल्यू क्या होगी टू होगी सब ऐड होकर के वन आ जाएगा मतलब सबको ऐड करेंगे वन आ जाएगा टू की पावर वन मतलब टू तो उत्तर क्या आया प्यारे बच्चों टू बिल्कुल सही जवाब है आपका दो उत्तर आएगा इसका क्या आएगा दो उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे साथियों दूसरा समझ रहे हो ऑप्शन नंबर क्या होगा दूसरा हो समझ रहे हो सभी बच्चे चलिए चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं बताइए इस वाले सवाल का उत्तर क्या होगा कल मैंने आपको बताया था ध्यान करिए अगर किसी की पावर माइनस में है तो उसे प्लस में बताने का तरीका मैंने आपको कल बताया था बताइए जल्दी से इस वाले सवाल का आंसर बताइए इस वाले सवाल का आंसर बताइए प्यारे बच्चों चौसठ की पावर माइनस दो बटा तीन गुणा एक बटे चार की पावर माइनस दो किसके बराबर है इज इक्वल टू किसके बराबर है प्यारे बच्चों <coughs> किसके बराबर है प्यारे बच्चों 64 की पावर माइनस दो बटा तीन एक बटे चार की पावर माइनस दो ये किसके बराबर है प्यारे बच्चों ये आपको बताना है लगाइए एक बार दिमाग लगाइए सुनिए ये चौंसठ की पावर माइनस का दो बटा तीन है प्यारे बच्चों तो आप इसे अगर प्लस में बनाना चाहते हैं सुनिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दो की पावर माइनस तीन और आप इसकी पावर को प्लस में बनाना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो आपको क्या करना पड़ेगा इसे उलटना पड़ेगा उलट का मतलब इसे उलट पलट करना पड़ेगा मतलब आप इसे अगर एक बटा दो लिख दोगे तो इसकी पावर प्यारे बच्चों अब प्लस में बदल जाएगी ठीक है जैसे अगर इसका उलट भी कर सकते हो मान लो जैसे पांच की पावर दो है और इसकी पावर माइनस में बनानी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो एक बटा पांच की पावर माइनस दो बात एक ही है चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे ठीक है वही कॉन्सेप्ट वहां पे लगाइए यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे सवाल में लगाइए प्यारे बच्चों लगाइए जरा एक बार यही वाला कॉन्सेप्ट लगाओ एक बार यहां पे अगर ये पावर माइनस में दे रखी है प्यारे बच्चों तो आपको अगर ये पावर प्लस में करनी है तो क्या करना पड़ेगा वन अपोन करना पड़ेगा इसे क्या करना पड़ेगा वन अपोन अब ये पावर प्यारे बच्चों प्लस में हो जाएगी किस में हो जाएगी प्लस में तो चौंसठ की पावर दो बटा तीन ये पावर प्लस में हो गई प्यारे बच्चों अब चौसठ की पावर दो बटा तीन अब यहां देखो ये पावर भी माइनस में दे रखी है तो इसे भी प्लस में करना है तो यहां भी उलटना पड़ेगा यहां भी क्या करना पड़ेगा उलट करना पड़ेगा तो चार की पावर कितनी आ जाएगी चार की पावर दो आ जाएगी समझ रहे हो प्लस में कैसे हुई प्लस में ऐसे हुई मैंने एक बटे चार को चार बटे एक कर दिया अब चाहे चार बटे एक कर दो चाहे चार लिख दो बात एक ही होती है प्यारे बच्चों यहाँ हर किसी के बटे एक होता है तो मैंने क्या काम करा एक को ऊपर ले गया और चौंसठ को नीचे ले आया तो ये पावर प्लस में हो गई प्यारे बच्चों बस इतना सा काम करना है ध्यान से सुनिए ये प्यारे बच्चों ये जो चौसठ है इसका मतलब होता है चार की पावर तीन चौसठ का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों चौसठ का मतलब होता है प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा चौसठ का मतलब होता है चार चौके सोलह चौके चौसठ मतलब चार की पावर तीन होता है मैं ये भी कह सकता हूँ चौसठ का मतलब क्या है चार की पावर तीन है तो मैं इसे लिख सकता हूं प्यारे बच्चों चार की पावर तीन और उसकी पावर ब्रेकिट के बाहर कितनी है दो बटा तीन है ब्रेकिट के बाहर उसकी पावर कितनी है प्यारे बच्चों उसकी पावर दो बटा तीन है समझ रहे हो उसकी पावर कितनी है दो बटा तीन है प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों अगर आप समझ में आ गया और सुनो यहां चार की पावर कितनी हो जाएगी चार की पावर दो हो जाएगी ठीक है अब मैंने आपको बताया था अगर कोई पावर ब्रेकिट के अंदर हो और कोई पावर ब्रेकिट के बाहर हो और उसका मतलब उन दोनों की गुणा होती है देखिए अभी तो बताया था मैंने कहा था अगर टू की पावर एम है और एक ब्रेकिट लग गया और उसके बाहर एन पावर होगी तो टू की पावर क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों एम एन हो जाएगी टू की पावर मतलब दोनों घात की गुणा हो जाएगी एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो मैंने दे दिया दो की पावर दो और उसकी बाहर पावर तीन है तो इसका मतलब दो की पावर इन दोनों की गुणा है छ ठीक है ऐसे यहां पे करो प्यारे बच्चों इन दोनों की भी गुणा हो जाएगी इन दोनों पावर की भी गुणा होगी इसका मतलब क्या होगा कि इस वाले तीन से ये वाला तीन कट जाएगा इसका मतलब एक बटे चार की पावर कितना बचा केवल दो बचा और गुणा करके चार की पावर कितना है प्यारे बच्चों दो तो है चार की पावर दो है और प्यारे बच्चों आपको तो पता ही होगा कि ये तिरछे कट जाते हैं जैसे चार की पावर दो से चार की पावर दो कैंसिल हो गया क्या बचा बस एक बचा तो उत्तर क्या आया प्यारे बच्चों उत्तर आया ऑप्शन नंबर ए उत्तर क्या है प्यारे बच्चों उत्तर आया ऑप्शन नंबर एक समझ में आया आप सभी बच्चों के बताओ जल्दी से आप सभी बच्चों के समझ में आया प्यारे बच्चों ये जल्दी से बताइए आप सभी बच्चों के समझ में आया एक हाँ। उत्तर क्या है प्यारे बच्चों एक आया समझ में आया आप सभी के चलो अगले सवाल पर चलते हैं प्यारे बच्चों बताना पूरा दिमाग लगा के बताना इस वाले सवाल का उत्तर क्या हो ठीक है बताओ एक बार कोशिश करो इस वाला सवाल इस वाले सवाल का उत्तर बताने की आप कोशिश करिए प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों जिस जिस बच्चे को भी ये आप हमारी पीडीएफ चाहिए वो या तो बिहार अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर जा सकता है अगर वो वहाँ पर जुड़ने में परेशानी हो रही है ज़्यादा वहाँ घिच मिच हो रही है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ पीडीएफ लेने का अगर इस वाली क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कैसे पी लेंगे कुछ बच्चे पी के लिए कल भी कमेंट करके पूछ रहे थे उन्हें बताना चाहते हैं सुनिए सुनिए अगर आपको इस वाली क्लास की पी चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे जाना है और टेलीग्राम पे सर्च बॉक्स में आप सर्च करेंगे नितिन शर्मा मैथ्स। क्या सर्च करेंगे? नितिन मैथ सर्च करेंगे और जब आप टेलीग्राम पे नितिन शर्मा मैथ सर्च करेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिससे कि आप पहचान लो भैया कहीं और ना जाओ इसीलिए आपको बताना चाहता हूं ठीक है देखो ये वाला फोटो ऐसा फोटो आएगा ये वाला फोटो आएगा जब आप नितिन शर्मा मैथ सर्च करोगे तो वहां पर ये वाला फोटो आएगा और वहीं पर आपको रिक्वेस्ट डालनी है कि ग्रुप में मुझे ज्वाइन करना है मैं वहां पर एक्सेप्ट कर लूंगा आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और ये पीडीएफ जो आज की क्लास की है वो आपको वहीं पर मिल जाएगी समझ में आया अगर आपको पीडीएफ चाहिए प्यारे बच्चों तो आप पीडीएफ के लिए या तो बिहार अड्डा 247 पर जुड़ सकते हैं अगर वहां पर ज्यादा ग्लिच मिलिच हो रही है तो आप नितिन शर्मा मैथ पर जाकर और ये वाला फोटो वहां पर आपको मिलेगा वहां पर आप जुड़ सकते हैं और ये सारी पीडीएफ आप वहां से ले सकते हैं समझ रहे हो प्यारे बच्चों अरे समझ में आ गया सभी के बताओ जल्दी से ये वाली पीडीएफ आप वहां से ले सकते हैं आपको ऊपर सर्च करना सर्च बॉक्स में नितिन शर्मा मैथ्स और ये वाला फोटो आपको पता लगा ही लेंगे ठीक है तो ठीक है प्यारे बच्चों आप चलते हैं जरा सवाल की तरफ ये रहा सवाल बताइए इसका उत्तर क्या होगा बताइए प्यारे बच्चों इस वाले सवाल का उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों इस वाले सवाल का उत्तर क्या होगा दो की पावर है 0.16 और दो की पावर है 0.04 ठीक है प्यारे बच्चों तो बताइए जरा इस वाले सवाल का उत्तर क्या होगा मैंने आपको बताया था यदि प्यारे बच्चों आधार एक जैसा हो तो उनकी घात जुड़ जाती है मैंने आपको ये बताया था प्यारे बच्चों अगर आधार एक जैसा हो तो उनकी पावर जुड़ जाती है सुनिए कैसे भाई मान लो मैंने एक की पावर एम लिख दिया ए की पावर एम लिख दिया इन टू ए की पावर मैंने एन लिख दिया तो मेरे प्यारे बच्चों कि ये इनकी जो पावर है ना ये जुड़ जाती है अब ये पावर एम प्लस एन हो जाएगी क्या हो जाएगी एम प्लस एन हो जाएगी क्योंकि आधार इनके बेस एक जैसे हैं तो पावर ऐड हो जाती है तो आपको नियम होता है पता ही होगा सुनिए अब यही नियम प्यारे बच्चों यहां पर लगाएंगे आप देखिए दोनों का आधार एक जैसा है तो दो दोनों का आधार क्या है? एक जैसा है, तो 243 की पावर क्या है प्यारे बच्चों दो तो तिरालीस की पावर है जीरो पॉइंट वन सिक्स क्या है दो सौ तिरालीस की पावर जीरो पॉइंट वन सिक्स है मल्टीप्लाई करके दो की पावर क्या है प्यारे बच्चों दो की पावर है जीरो दो की पावर क्या है जीरो पॉइंट जीरो फोर है प्यारे बच्चों क्योंकि इनके आधार एक जैसे हैं इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा इनकी पावर को जोड़ देना पड़ेगा तो यहां आ जाएगा दो और उसकी पावर को हम जोड़ देंगे तो 0.16 और यहाँ पर यह जुड़ जाएगा 0.04 ये जुड़ जाएगा प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा दो और प्यारे बच्चों अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 4 20 यानी कि 0.20 ये हो जाएगा ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपको ये वाला नियम तो पता होगा ना सुनो सुनो अगर कहीं पे ये लिख रहा है टू पॉइंट फाइव आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा और ये पॉइंट मुझे हटाना है तो हटाने का तरीका क्या है पच्चीस लिखिए इसके बटे दस लिख दीजिए अगर मान लो सवाल ये होता तीन दसमलव एक दो और ये पॉइंट मुझे हटाना है तो हटाने का तरीका क्या होता है तीन सौ बारह लिखो अब ये दो के बाद पॉइंट आ रहा है तो बटे में क्या लिख दो सो क्योंकि दो के बाद पॉइंट था तो बटे में दो जीरो आई सो so आया मतलब अगर तीन के बाद पॉइंट होता तो बटे में अपोन में एक जीरो मतलब प्यारे बच्चों जरा यहाँ दिमाग लगाइए लगाई है ना क्या है जीरो पॉइंट टू जीरो है ना प्यारे बच्चों तो आपको क्या करना है आपको ये करना है दो सौ तिरालीस की पावर कितनी करनी है प्यारे बच्चों जीरो पॉइंट टू जीरो जीरो पॉइंट टू जीरो अपोन यहां से हटाना है और क्या लगाना है सो समझ गए अगर यहां से ये पावर का पॉइंट हटाना है तो बटे में सो लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों क्या लिखना पड़ेगा सो लिखना पड़ेगा नहीं नहीं कल का क्वेश्चन नहीं आज का ही क्वेश्चन है सुन लो बीस एक बीस और बीस पंजा सो तो प्यारे बच्चों दो सौ तिरालीस की पावर कितनी आई दो सौ तिरालीस की पावर आई एक बटा पांच दो सौ तिरालीस की कितनी पावर आई एक बटा पांच आई प्यारे बच्चों कितनी आई एक बटा पांच ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों दो को दो को मैं ऐसे लिख सकता हूं देखो कैसे आपको पता है फैक्टर करने का तरीका किस किस बच्चों को पता है बताओ एक बार जरा एक बार बताओ जरा दो के फैक्टर करने जैसे मुझे तो दो के फैक्टर इसे काट लो किसी नंबर से तीन से कट जाएगा ये तीन अट्ठे चौबीस तीन एक तीन फिर तीन से काटिए सत्ताईस आ जाएगा फिर तीन से काटिए प्यारे बच्चों तीन नम सत्ताइस आ जाएगा फिर तीन से काटिए तीन आ जाएगा फिर तीन से काटिए एक आ जाएगा मतलब तीन एक दो तीन चार पांच मतलब प्यारे बच्चों मैं इसे तीन की पावर पांच भी लिख सकता हूं ये जो दो सौ तिरालीस इसमें लिखा हुआ ना ब्रेकेट में मैं इसे क्या लिख सकता हूं मैं इसे तीन की पावर पांच लिख सकता हूं ये ब्रेकिट वाला जो है और उसकी पावर क्या है प्यारे बच्चों उसकी पावर है एक बटा पांच उसकी पावर क्या है प्यारे बच्चों उसकी पावर है एक बटा पांच सुनिए जरा ध्यान से ये पांच से पांच उड़ा दीजिए पांच से क्या करिए पांच से पांच को उड़ा दीजिए तो क्या बचेगा तीन की पावर एक बचे आप कहोगे क्यों उड़ाया उड़ाया इसलिए क्योंकि ये पावर तो गुणा में होती है मैंने अभी तो बताया था एक ब्रेकिट के बाहर की पावर एक ब्रेकिट के अंदर की पावर तो ये पावर तो गुणा में होगी तो प्यारे साथियों इससे ये वाली पावर कट जाएगी मतलब तीन की पावर क्या बचेगा एक बचेगा उत्तर क्या आ जाएगा तीन आ जाएगा उत्तर क्या आ रहा है प्यारे साथियों तीन आ रहा है ऑप्शन नंबर क्या हुआ ऑप्शन नंबर दो प्यारे बच्चों क्या आपकी समझ में आया ये सब जल्दी से बताइए हाँ ऑप्शन नंबर टू सही जवाब है प्यारे बच्चों क्या आप समझ पाए वाले सवाल को प्यारे बच्चों क्या आपकी समझ में आया ये सवाल जल्दी से बताइए क्या आप समझ गए चलिए अगले सवाल पर चलते हैं प्यारे बच्चों आप सभी के लिए प्यारे बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक कर दो अगर समझ में आ रहा हो और दूसरे बच्चों को प्यारे बच्चों जो जो पोलोटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं पोलोटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो मैथ में फेल नहीं होंगे ये हम गारंटी लेते हैं आपसे वो मैथ में फेल नहीं होंगे प्यारे बच्चे अगर वो हमारे साथ जुड़ेंगे आप दूसरे बच्चों को भी ये ये वीडियो जरूर पहुंचा देना जो जो बच्चे पोलोटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ठीक है प्यारे बच्चों चलो इस वाले सवाल का उत्तर देने का आप प्रयास करो एक बार सभी बच्चे दो की पावर है 0.16 पॉइंट गुणा दो की पावर है 0.09 तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है ठीक है बताइए जरा बताइए जल्दी से 256 की पावर है 0.16 पॉइंट वन सिक्स गुणा दो की पावर है 0.09 तो आपको इसकी वैल्यू बतानी जल्दी से जल्दी से बताइए दो की पावर है 0.16 पॉइंट वन सिक्स गुणा दो की पावर है 0.09 तो आपको इसकी वैल्यू बतानी प्यारे बच्चों एक बात जरा ध्यान से सुनिए भाई इनके आधार एक जैसे हैं तो इनकी पावर जुड़ जाएगी मतलब दो की अगर आधार एक जैसे हो प्यारे बच्चों तो पावर जुड़ जाती है तो 0.16 मतलब इसकी पावर प्लस उसकी पावर 0.09 ये आपस में जुड़ जाएगी इसकी पावर और उसकी पावर आपस में जुड़ जाएंगी क्योंकि आधार एक जैसे दो ध्यान से सुनिए 16 और 9 कितना हुआ 25 मतलब जीरो पॉइंट क्या आ गया 25 मतलब जीरो पॉइंट क्या आया प्यारे साथियों जीरो पॉइंट टू फाइव आए समझ रहे हो अब सुनो सुनो ध्यान से ध्यान से सुनो अगर प्यारे बच्चों आपको अगर प्यारे बच्चों आपको यहां से पॉइंट हटाना है तो अभी तो अभी तरीका मैंने बताया था ना आपको क्या करना पड़ेगा? 256 और ये जीरो पॉइंट टू फाइव जो है ना ये ये हटाने के लिए ये पॉइंट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा अभी तो आपको तरीका बताया था मैंने कहा था भैया दो के बाद अगर पॉइंट आ रहा है तो एक लिखो और दो जीरो नीचे चिपका दो अगर दो के बाद पॉइंट आ रहा है प्यारे बच्चों तो यह लिख दिया और एक लिखकर दो जीरो लगा दो अगर तीन के बाद बटा चार क्या दो सौ छप्पन की पावर एक बटा चार प्यारे बच्चों क्या आपके याद है कल भी मैंने दो सौ छप्पन के फैक्टर आपको करके दिखाए थे प्यारे बच्चों दो सौ छप्पन के फैक्टर मैं ऐसे भी कर सकता हूं ठीक है मैं दो को वैसे तो दो में भी टूट जाएगा क्योंकि मुझे यहाँ पावर एक बटा चार है ना तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो इसकी पावर चार बने अगर किसी बच्चे को नहीं पता कोई बात नहीं दो के वेक्टर में ऐसे कर सकता हूं दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह दूनी चौसठ दूनी एक सौ अट्ठाईस दूनी दो सौ छप्पन ठीक है दो तो फैक्टर करने कल कर मैंने आपको बताए थे कैसे फैक्टर करते हैं भाई दो से काटते हैं ये एक सौ अट्ठाईस आ जाएगा फिर दो से काटेंगे चौसठ आएगा फिर दो से काटेंगे बत्तीस आएगा फिर दो से काटेंगे ये कितना आ जाएगा सोलह फिर दो से काट देंगे आठ आएगा फिर दो से काटेंगे चार आएगा फिर दो से काटेंगे दो आएगा और फिर दो से काटेंगे एक आएगा मतलब दो की पावर कितनी हो रही है प्यारे साथियों अब देखो मैं इसे मैं इसे दो की पावर में करके लिख रहा हूँ क्या लिख रहा हूं तो दो की पावर में क्या लिख सकता हूं एक दो तीन चार पाँच छ सात दो की पावर में क्या लिख सकता हूं प्यारे साथियों सोलह दूनी बत्तीस एक सौ अट्ठाईस एक दो रह गया प्यारे साथियों तो दो ठीक है तो ये कितनी बार लिखा जाएगा आठ बार कितनी बार आठ बार तो प्यारे साथियों मैं इसे दो की पावर आठ लिख सकता हूं दो की पावर भाई मैंने बता दिया दो सौ छप्पन के टुकड़े ये हैं तो दो की पावर आठ लिख सकता हूं और इसकी पावर कितनी है प्यारे बच्चों एक पटा चार है और इसकी पावर कितनी है प्यारे बच्चों एक बटा चार है समझ रहे हो समझ रहे हो प्यारे बच्चों अब ये दो की पावर आठ को आप चार से अगर भाग दोगे तो ये दो की पावर आठ बटे चार हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा दो की पावर आठ बटे चार हो जाएगा प्यारे बच्चों अब ये क्या करो चार एक चार चार दूनी आठ मतलब प्यारे बच्चों दो की पावर दो बन गया क्या बन गया प्यारे बच्चों दो की पावर दो बन गया दो की पावर दो का मतलब क्या होता है दो बार दो की गुणा और दो बार दो की गुणा यदि आप करोगे प्यारे बच्चों तो दो धुनी कितना आ जाएगा दो धुनी आ जाएगा चार कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों चार आ जाएगा समझ में आ गया प्यारे बच्चों आंसर फोर। फोर आंसर इसका क्या है प्यारे बच्चों चौथा ऑप्शन सही है सभी की समझ में आया और जल्दी से प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दो जिन जिन बच्चों ने भी अभी तक लाइक नहीं है चलो इस वाले सवाल का उत्तर बताइए जल्दी से जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों इस वाले सवाल का उत्तर क्या होगा चालीस जमा रूट के अंदर नो एक रूट फिर दोबारा से लगा हुआ इक्यासी आ रहा है बताओ जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों इस वाले सवाल का उत्तर आपका क्या रहेगा? प्यारे बच्चों दिमाग लगाइए आप जल्दी से कि इस वाले सवाल का उत्तर आपका क्या रहेगा सुनिए प्यारे बच्चों जैसे कि यह सवाल लिखा हुआ है और सवाल में क्या लिख रहा है चालीस प्लस रूट के अंदर नो और यहां पे क्या है इक्यासी ठीक है प्यारे बच्चों अब सुनो ध्यान से प्यारे बच्चों आपको पता है कि इक्यासी का वर्गमूल क्या होगा

ऑप्शन नंबर क्या होगा तीसरा हां आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों तीसरा हो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब चलो एक बार प्यारे बच्चों आप सभी पूरा दिमाग लगाकर इस वाले सवाल का उत्तर बताने का प्रयास करेंगे करिए एक बार सभी बच्चे प्रयास करो लगाइए प्यारे साथियों आप ये तो समझते होंगे ना प्यारे साथियों आप ये तो समझते होंगे ना कि इसकी पावर जैसे यहाँ पे पाँच लिख रहा है इसका मतलब तो समझते होंगे सुनो जैसे मैंने ये वाला साइन लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया पाँच और यहाँ पे लिख दिया एक्स मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ तो मैं सवाल नहीं कर रहा तो इसका मतलब तो आप सभी समझते होंगे इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है एक्स की पावर वन बाई इसका मतलब क्या होता है एक्स की पावर एक बटा भाई अगर यहां पे पांच लिख रहा है तो इसका मतलब एक्स की पावर एक बटा पांच हो सकता है यहां पे चार होता तो एक्स की पावर एक बटा चार करते ये वाला मतलब तो सभी समझते होंगे प्यारे साथियों हो। हां गुड मॉर्निंग कामनी सिंह जी चलिए प्यारे साथियों जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा यदि आप बिहार अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के साथ जुड़ेंगे तो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में आपको सरकारी कॉलेज आराम से मिल जाएगा और यदि आप मैथ की क्लास यहां लेंगे आपको पता है मैथ के कारण ही आपको सरकारी कॉलेज मिलने वाला है चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा और आप अपने नाम के आगे इंजीनियर लगा पाएंगे ध्यान से सुनिए जैसे ये पावर है तो इसका मतलब क्या हुआ सवाल कर रहा हूं प्यारे साथियों में एक्स की पावर कितनी है माइनस का तीन बटे पाँच है अब ये इसके ऐसे रूट लगा हुआ यहां पे पांच लिख रहा है इसका मतलब फिफ्थ रूट है इसका मतलब क्या है इसकी पावर कितनी हुई प्यारे साथियों इसका मतलब इसकी पावर क्या हुई प्यारे साथियों इसकी पावर हुई एक बटा पांच क्या हुई इसकी पावर एक बटा पांच हुई प्यारे साथियों इसकी पावर क्या हुई एक बटा पांच अब ध्यान से सुनिए उसके बाहर भी पावर क्या दे रखी है प्यारे साथियों उसके बाहर भी पावर दे रखी है आपको कितनी दे रखी है ये वाली पावर माइनस की पांच बटा तीन क्या है माइनस के पांच बटा तीन पावर और एक सबसे बाहर दे रखी है सबसे बाहर क्या दे रखी है पांच दे रखी है सबसे बाहर क्या दे रखी है पांच दे रखी है समझ में आ रहा है प्यारे साथियों सुनो ध्यान लगा के अब पूरा ध्यान लगाओ यहां पे पूरा ध्यान लगाओ इनकी पावर की क्या हो जाएगी गुणा मतलब x की पावर क्या हो जाएगी माइनस के 3 बटा 5 और गुणा में क्या आ जाएगा 1 एक्स की पावर माइनस के तीन पांच गुणा बटे पांच और गुण में क्या आ गया एक बटे पांच आए ठीक है और उसकी पावर कितनी है प्यारे साथियों माइनस के पांच बटे तीन ठीक है और पूरे की पावर कितनी है पांच प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो आप ध्यान से सुनो आप गुणा हो जाएगी इनकी तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा माइनस के तीन बटे ऊपर की ऊपर गुणा होती है नीचे की नीचे तीन बटे पच्चीस ठीक है फिर इसकी भी गुणा होगी प्यारे साथियों ये क्या है माइनस के पांच बटा तीन यही तो है मैंने यही तो बताया था अगर एक पावर ब्रेक इट के बाहर भाई अभी तो समझाया था एक्स की पावर एम और उसकी पावर एन इसका मतलब क्या होता है एक्स की पावर इन दोनों पावर की गुणा होती है एम एन तो हमें क्या करना सभी पावर की गुणा करनी बस अब ये गुणा ये और सबसे लास्ट में ये भी तो गुणा में ही आएगा ये भी तो गुणा में आएगा कर दो सबकी गुणा बताओ कितना हो जाएगा माइनस से माइनस कट गया और पांच पंजे पच्चीस से पच्चीस कट गया तीन से तीन कट गया एक बचा क्या बचा एक मतलब एक्स की पावर क्या बची एक बची प्यारे बच्चों एक्स की पावर एक मतलब एक्स एक्स की पावर एक मतलब एक्स ऑप्शन नंबर हुआ तीसरा एक्स की पावर एक मतलब एक्स ऑप्शन नंबर हुआ तीसरा सी ऑप्शन समझ रहे हो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हुआ तीसरा बिल्कुल सिंपल सी बात एक समझो अगर एक ब्रेकिट के बाहर पावर दे रखी है एक ब्रेकिट के अंदर पावर दे रखी है इसका मतलब प्यारे बच्चों वो दोनों पावर गुणा में है तो हमने भी इन दोनों, हमने क्या काम करा कुछ नहीं करना इन सभी पावर की मल्टीप्लाई करनी है बस सीधा हिसाब ये है इन सभी पावर की क्या करनी है इन सभी पावर की आपको मल्टीप्लाई करनी है बस सीधा हिसाब ये है प्यारे बच्चों ठीक है समझ में आ गया सीधा हिसाब ही है इन सभी पावर की क्या कर दो मल्टीप्लाई फिर दोबारा करके दिखा रहा हूँ जिन बच्चों की समझ में नहीं आया उनके लिए फिर दोबारा से बता रहा हूँ सुन लो आपको मैंने ये तो समझा ही दिया था आपको मैंने ये तो समझाई दिया था कि इसका मतलब क्या होता है एक बटे पांच पावर इसका मतलब क्या होता है एक बटे पांच पावर होती है सुनो जैसे एक्स की पावर माइनस के तीन बटा पांच है तो मुझे पता है इसकी पावर एक बटा पांच है तो एक बटे पांच ऐसे कर लो ठीक है उसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों माइनस के पांच बटा तीन और उसका मतलब क्या है पांच बस आपको पावर की गुणा करनी है सबकी भाई सभी तो ब्रेकिट के बाहर अंदर ऐसे है ना तो सारी पावर आपस में गुणा हो जाएगी सभी तो ब्रेकिट के बाहर और अंदर है तो सारी पावर की आपस में गुणा हो जाएगी बस सबकी गुणा कर लो भाई पाँच से ये वाला पांच गया इस वाले पाँच से ये वाला पाँच गया माइनस माइनस प्लस हो गया और तीन से तीन गया मतलब एक्स की पावर क्या बची अब ये मत कर देना कि पांच से पाँच जा रहा तो जीरो आ रहा पांच से पांच जाके जीरो नहीं आता गुणा में वन आता है फाइव वन जा फाइव मतलब वन फाइव वन जा फाइव मतलब वन थ्री वन जा थ्री मतलब वन 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 की गुणा तो मतलब वन तो एक्स की पावर वन एक्स की पावर वन मतलब एक्स क्या आ जाएगा उत्तर एक्स आ जाएगा समझ में आ रहा प्यारे बच्चों आप सभी के बताओ जल्दी से समझ में आ रही है वाली बात सभी के क्या सभी बच्चों के ये वाली बात समझ में आई है आपके बताओ चलो अगले सवाल पर चलते हैं प्यारे बच्चों ये बिहार प्रवेश परीक्षा 2019 का सवाल है प्यारे बच्चों ये जो सवाल है वो बिहार प्रवेश परीक्षा 2019 का सवाल है तो आप एक बार इसमें दिमाग लगाइए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा यह पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2019 का सवाल है प्यारे बच्चों आप एक बार इसमें दिमाग लगाइए और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है आपको एन की वैल्यू बतानी है किसकी वैल्यू बतानी है आपको एन की वैल्यू बतानी है किसकी वैल्यू बतानी है आपको एन की वैल्यू बतानी बताइए जल्दी से ये जो 2019 में बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा हुई थी उसमें यह सवाल आया था प्यारे बच्चों एक बार आप सभी दिमाग लगाएंगे और बताएंगे इसका उत्तर क्या हो सकता है ये ध्यान रखना ये रूट तीन की पावर क्या है पांच है रूट तीन की पावर क्या है प्यारे साथियों रूट तीन की पावर पांच है क्या है पांच चलिए दिमाग लगाइए प्यारे बच्चों क्या इसका उत्तर हो सकता है आप सभी बच्चे मिलकर बताइए जल्दी से <स्थाथ> <स्थाथ> सुनो लगाइए प्यारे बच्चों इसमें दिमाग क्या हो सकता है सुनो थोड़ा सा सवाल मिस प्रिंट है सुन लो ये ध्यान से सुनो भाई अंडर रूट तीन का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों प्यारे बच्चों आपको अभी तो बताया था अंडर रूट तीन का मतलब यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब तीन की पावर कितनी है एक बटा दो है अब ध्यान से सुनिए यहां तीन की पावर एक बटा दो हुई प्यारे साथियों और बाहर क्या पावर है पांच है क्या पावर है पांच अब की पावर दो को भी मैं तीन में बदल सकता हूं सुनो ये जो 9 की पावर दो लिखी हुई है क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ तीन की पावर दो और उसकी पावर दो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं प्यारे साथियों कि तीन की पावर दो और उसकी पावर क्या लिख सकता हूं दो लिख सकता हूँ ठीक है और बराबर क्या आ जाएगा प्यारे साथियों तीन की पावर एन दे रखा है ना तीन की पावर एन लिख लो और प्यारे साथियों पूरे सवाल को मैं तीन की पावर में बदल रहा हूं यहाँ तीन अंडर रूट तीन है इसका मतलब क्या हुआ ये तीन है अंडर रूट का मतलब क्या होता उन् टू में ये दोनों ये अंडर रूट का मतलब होता है की पावर एक बटा दो क्या होता है तीन की पावर एक बटा दो तीन का मतलब होता है तीन की पावर एक और आपको तो पता ही है गुणा में घात जुड़ती है यहाँ से तीन की पावर कितनी आई यहाँ से तीन की पावर आई पांच बटा दो कितनी आई यहाँ से तीन की पावर पांच बटा दो आई यहां से तीन की पावर कितनी आ जाएगी प्यारे साथियों तीन की पावर चार आ जाएगी समझ रहे हो भाई एक पावर के अंदर है एक पावर के बाहर है तो दोनों की गुणा हो जाएगी मतलब तीन की की पावर पावर क्या आ जाएगी? तीन की पावर चार आ जाएगी जाएगी बताइए जरा ध्यान से तीन की पावर यहां कितनी हो जाएगी एन इंटू में तीन की पावर कितनी हो गई ये भैया जोड़ लो सभी पावर को क्या कर लो जोड़ लो चलो जोड़ो सभी पावर को तो जुड़ जाएगी एक और आधा एन तो जुड़ेगा नहीं इसमें एन तो अलग होता है भैया अगर मैं एक और आधे को जोड़ूंगा एक और एक बटे दो को जोड़ सकते हो प्यारे बच्चों एक और एक बटे दो को कैसे जोड़ता है इसकी गुणा इसमें करते हैं और जो आता है उसमें ये जोड़ते हैं दो एक दो और एक मतलब तीन बटे दो कितना आ जाएगा तीन बटे दो आ जाएगा तो मैं कह सकता हूं तीन की पावर एन जमा तीन बटे दो यहां से देखिए प्यारे बच्चों यहां से देखिए जरा अब यहां भी इनकी पावर जुड़ जाएगी प्यारे बच्चों यहां भी क्या हो जाएगी इनकी पावर जुड़ जाएगी क्योंकि गुणा में है दोनों गुणा में घात जुड़ती है आधार एक जैसा है अगर तो प्यारे साथियों पर पांच बटे दो और चार जुड़ जाएगा प्यारे साथियों क्या पांच बटे दो और चार को जोड़ सकते हो पांच बटे दो को और चार को आप जोड़ सकते हो प्यारे साथी मैं इधर जोड़ के दिखा रहा हूं मुझे पांच बटे दो में क्या जोड़ना है चार जोड़ तो कैसे जुड़ता है इसकी इसमें गुणा करते हैं दो चौका आठ आठ आया आठ में अगर प्लस का निशान है तो जोड़ दो आठ और पांच तेहरे मतलब कि तेहरे बटा दो आया कितना है प्यारे साथियों तेहरे बटे दो आया बटे दो आया और यहां पर कितना है प्यारे साथियों तीन की पावर एन जमा तीन बटे दो तीन की पावर एन जमा तीन बटे दो क्या होगा प्यारे साथियों तीन की पावर एन जमा तीन बटे दो प्यारे साथियों एक बात बताइए दो संख्याएं बराबर है उनके आधार भी बराबर है तो ओबियस सी बात है प्यारे साथियों उनकी घात भी बराबर होंगी भाई ये दोनों संख्याएं बराबर हैं इनके आधार भी बराबर है तो ये जाहिर सी बात है कि उनकी घात भी बराबर होंगी उनकी पावर भी बराबर होंगी यहाँ से मुझे क्या पता लगा यहाँ से मुझे ये पता लगा प्यारे साथियों यहाँ से आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ ध्यान देना यहाँ से मुझे ये पता लगा प्यारे साथियों यहाँ से मुझे क्या पता लगा यहाँ से मुझे ये पता लगा कि तेहरे बटे दो की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी वो होगी एन जमा तीन बटे दो

कितनी आई पांच आई समझ रहे हो आप सभी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर क्या आएगा प्यारे साथियों बी आए पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2019 में पूछा गया पहला सवाल ठीक है अब दूसरे सवाल पर चलते हैं बताइए प्यारे बच्चों यहां पर आपको साफ साफ चमक रहा होगा कि यहां पर एन लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है एन बताइए ये दूसरा सवाल आया था प्यारे साथियों बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2019 का ये दूसरा सवाल है बताइए जल्दी से इसका उत्तर क्या हो जल्दी से सभी बच्चे बताइए प्यारे साथियों इसका उत्तर क्या हो सुनिए प्यारे बच्चों आपको x का स्क्वायर और उसकी पावर इसका मतलब मैंने आपको बताया था भाई अगर ये वाला साइन लग रहा है और यहाँ पर चाहे जो भी लिख दो जैसे कि यहाँ पर मैंने सात लिख दिया और यहाँ x लिख दिया तो आप समझ जाया करो इसकी पावर एक बटा सात है ये जितना भी यहाँ लिखा होता है अगर कुछ नहीं लिख रहा तो दो है समझ लो अगर कुछ लिख रहा है तो फिर एक बटे उतनी पावर होती है जैसे एक्स की पावर एक बटा हुई अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप जरा क्वेश्चन को प्यारे साथियों आप ध्यान से अब जरा क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए प्यारे साथियों यदि आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं और जो जो बच्चे इस कक्षा की पीडीएफ लेना चाहते हैं पोलोटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें मैंने तरीका बता दिया है आपको टेलीग्राम पर जाना है क्या सर्च करना है कौन सा फोटो देखना है <coughs> जहां से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी ठीक है तो प्यारे साथियों ये स्क्वायर है और इसकी पावर क्या करेंगे प्यारे बच्चों इसकी पावर करेंगे एक बटा एन क्या करेंगे इसकी पावर एक बटा एन करेंगे फिर उसकी पावर कितनी है प्यारे बच्चों उसकी पावर है एन बटा दो और फिर उसकी भी पावर कितनी है प्यारे बच्चों उसकी पावर है दो आपको पता लग रहा होगा प्यारे बच्चों कि सभी पावर ब्रैकेट के अंदर ब्रेकिट के बाहर ब्रेकिट के अंदर ब्रेकिट के बाहर ऐसे दे रखी है और आपको मैंने कितनी बार बताया है कि अगर एक्स की कोई पावर ब्रेकिट के अंदर हो और कोई पावर एक्स की ब्रेकिट के बाहर हो तो इसका मतलब ये दोनों पावर गुणा में होती हैं ये दोनों पावर किस में होती हैं ये दोनों पावर प्यारे बच्चों गुणा में रहती हैं अगर x की कोई पावर ब्रेकिट के अंदर है कोई पावर ब्रेकिट के बाहर है तो ये दोनों पावर ब्रेकिट में रहती है समझ में आ गया पहले बच्चों कितना ये दोनों पावर गुणा में रहती है तो ऐसे ही आप इन सब की गुणा कर दो तो x की पावर कितना है दो गुणा एक बटा एन ये सारी पावर की गुणा करनी है आपको एन बटा दो और इसकी गुणा दो ठीक है सबको सोल्व कर लो प्यारे बच्चों जो कुछ जो कुछ सोल्व हो सकता हो ध्यान देना ये वाला दो भी ऊपर है और ये वाला दो भी ऊपर है कभी इस वाले दो को नीचे समझ लो थोड़ा लिखने में दिक्कत सी आ गई सही तरीके से लिख देता हूं एन वन जा एन टू वन जा टू दो एक एक ये बचा गुणा में दो एकम दो एकम दो मतलब एक्स की पावर कितना आया प्यारे बच्चों एक्स की पावर दो आया एक्स की पावर कितना आया प्यारे बच्चों एक्स की पावर दो आया ऑप्शन नंबर सी आया समझ रहे हो एक्स की पावर दो आया ऑप्शन नंबर सी आया प्यारे बच्चों क्या आपकी समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों ये जल्दी से बताइए क्या आपकी समझ में आ रहा है चलो चलिए प्यारे बच्चों अब इस वाले सवाल को सोल्व करने का आप सभी बच्चे प्रयास करिए वैसे थोड़ा सा एलजेबरा से रिलेटेड है लेकिन यहां क्योंकि इसकी पावर वगैरह दी गई है इसलिए इसे यहां भी करना पड़ेगा मतलब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इसकी वैल्यू एक आंसर आएगा लेकिन आएगा कैसे वो आपको बताना है ठीक है इसका आंसर एक आएगा प्यारे बच्चों आपको ये बताना है इसकी वैल्यू आपको एक लानी है प्यारे गुड मॉर्निंग एनएलसीजी बहुत बहुत स्वागत है आपका चलिए बताइए प्यारे बच्चों आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है क्योंकि अब इसमें पावर है प्यारे बच्चों इसलिए इसे घात से, से घातांक और करनी से अलग नहीं रख सकते इसलिए मैंने ये सवाल यहाँ पर डाला है चलिए बताइए जरा प्यारे बच्चों सुनिए सुनिए इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे देखिए वन अपोन वन प्लस एक्स की पावर क्या दे रखी है ए माइनस दे रखी है क्या दे रखी है ए माइनस बी प्लस वन अपॉन एक्स की पावर क्या है प्यारे बच्चों बी माइनस ए क्या है बी माइनस ए यही तो दे रखा है यही तो दे रखा है प्यारे साथियों अब सुनो सुनो ध्यान से क्या करेंगे सुनो भाई एक बात बताइए मुझे प्यारे बच्चों वन प्लस क्या मैं इस पूरी पावर को इस पूरी चीज को एक्स की पावर ए माइनस बी को मैं इधर करके दिखा रहा हूं एक्स तो की पावर ए माइनस बी है चलो ए प्लस बी लिख देता हूं एक्स की पावर मान लो ए प्लस बी है क्या प्यारे बच्चों मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी बताओ भाई x की पावर अगर मुझे a प्लस बी दे रखी है प्यारे बच्चों तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं x की पावर a इंटू एक्स की पावर b? लिख सकते हैं क्यों नहीं लिख सकते क्योंकि भैया गुणा में घात जुड़ जाएगी तो बात तो एक ही है चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो क्योंकि गुणा में फिर दोबारा से घात जुड़ेगी फिर यही आ जाएगा ठीक है ऐसे यहां पे देख लो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं प्यारे साथियों x की पावर a इंटू एक्स की पावर माइनस बी आप कहोगे ये ऐसा कैसे लिख दिया ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि गुणा में घात जुड़ेगी तो a और माइनस बी जुड़ेगा अब a और माइनस बी जुड़ेगा तो a माइनस बी लिखा जाएगा प्लस नहीं आएगा समझ रहे हो तो मैं इस पावर को ऐसे लिख दिया सुनो प्लस अब सुनो ध्यान से वन प्लस क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं की पावर बी की माइनस है लिख सकता हूं बात एक ही है क्योंकि गुणा में घात जुड़ेंगी दोबारे से गुणा में घात दोबारे से जुड़ेंगी समझ रहे हो सभी अब ध्यान से सुनो ये एक्स की पावर माइनस बी लिखा हुआ अगर x की पावर माइनस में है और इसे आप प्लस में बनाना चाहते हैं तो इस पावर को आपको नीचे लेके जाना पड़ेगा तो वन अपोन वन प्लस एक्स की पावर कितना आया ए आया एक्स की पावर कितना आया ए आया बच्चों अब ये पावर माइनस में है आप इसे प्लस में बनाना चाहते हैं तो आपको ये नीचे लेके जाना पड़ेगा आपको कहा लेके जाना पड़ेगा आपको ये नीचे लेके जाना पड़ेगा तभी पावर प्लस में बनेगी मैंने बताया था अगर कोई पावर माइनस में है उसे प्लस में बनाना है तो नीचे लेके चले जाओ प्लस वन अपोन वन प्लस एक्स की पावर क्या है बी अब ये वाली पावर माइनस में है और इसे प्लस में बनाना है तो कैसे बनाओगे इसे नीचे लेके जाओगे भैया तभी प्लस में बनेगी ठीक है अब ध्यान से सुनो अब यहाँ पहले ऊपर का भी छोड़ो दो मिनट नीचे नीचे का सोल्व करो नीचे नीचे का कैसे सोल्व होगा आप ऐसे ही तो सोल्व करोगे भैया कि एलसीएम लोगे इधर इसकी गुणा करोगे और फिर जो आएगा उसमें जोड़ दोगे मतलब ऐसे आएगा एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए और प्यारे बच्चों सबसे नीचे आ जाएगा एक्स की पावर बी ऐसे एल्शियम लेकर सबसे नीचे एक्स की पावर बी आ जाएगा और वो कहाँ चला जाएगा वो चला जाएगा सबसे ऊपर प्लस ऐसे यहाँ पे सबका एल्शियम एक्स की पावर ए आया ठीक है ये वन अपोन में है पूरा ध्यान रखना ये वन अपोन में चल रहा है पूरा ध्यान रखना प्यारे बच्चों ये वाला वन अपोन में नहीं है चलो भैया यहाँ मिचड़ सी होगी एक तरफा को करते हैं उधर की तरफ है ना यहाँ क्या है प्यारे बच्चों x की पावर b है बस यहाँ से आगे अब यहाँ देख लो यहाँ से आगे अब यहाँ सोल्व कर रहा हूँ मैं सुन लो सुन लो सभी बच्चे ध्यान से एल्सियम लेके ये उधर चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा मतलब कि ये हुआ x की पावर b भाई एल्सियम लेके इधर पहुंचा और ये x की पावर b ऊपर चला गया तो x की पावर b और ये यहाँ चला जाएगा तो x की पावर b प्लस x की पावर ए एलसीएम लेके ये यहां चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा एक्स की पावर ए अब में क्या आ जाएगा एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्यारे बच्चों अब इन दोनों को जोड़ना है क्या करना है इन दोनों को जोड़ना है और यदि प्यारे बच्चों और यदि प्यारे बच्चों आपको इन दोनों को जोड़ना है तो नीचे का एलसीएम लेना पड़ेगा अगर मैं जोड़ के आगे पीछे लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता तो एलसीएम दोनों का यही आएगा एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी भैया ये और ये बात एक ही लिख रही है अब दो प्लस तीन लिख लो या तीन प्लस दो लिख लो अंतर तो पड़ता नहीं कॉम्युडिटी लो तो फॉलो करते हैं ना ये ठीक है, है। एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस प्लस एक्स की पावर बी एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी अब ये दोनों के नीचे एक जैसा ही है तो ऊपर यही आ गया और यहाँ भी यही आ गया ऊपर और नीचे एक जैसा है तो उत्तर क्या आ जाएगा एक आ जाएगा उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे साथियों एक आ जाएगा उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे साथियों एक आ जाएगा आपकी आ क्या आपकी समझ में आए क्या आपकी समझ में आई प्यारे साथियों वाली बात जल्दी से बताइए हां एक उत्तर एक आ जाएगा प्यारे साथियों चलो प्यारे साथियों यहां से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको इस वाले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपको x की वैल्यू निकालनी इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या निकालनी है एक्स की वैल्यू जल्दी से बताइए इसमें एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे खातांक और करनी का सवाल है प्यारे बच्चों ये भी तो आप इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करके दिखाइए चलिए यहां से जैसे मुझे x की वैल्यू बतानी है तो मैं कैसे करूंगा प्यारे बच्चों भाई दो की पावर क्या दे रखा है दो की पावर दे रखा है पांच एक्स प्लस तीन और बराबर में क्या दे रखा है बराबर में आठ की पावर x प्लस तीन दे रखा है बराबर में क्या दे रखा है आठ की पावर x प्लस तीन दे रखा है प्यारे बच्चों आठ की पावर क्या दे रखा है एक्स प्लस दे रखा है अब सुनिए प्यारे बच्चों ध्यान से एक बात प्यारे बच्चों यदि ये बराबर है तो आपको x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों के आधार को एक जैसा करना पड़ेगा यदि आप यहां से x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको दोनों को x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों के आधार को एक जैसा करना पड़ेगा ठीक है ये जो आठ है ये दो की पावर क्या है पांच एक्स प्लस तीन दो की पावर पांच एक्स प्लस तीन है बराबर आठ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं प्यारे बच्चों आपको तो पता ही है दो दूनी चार दूनी आठ भाई आठ को मैं ऐसे ही तो लिख सकता हूं आठ को कैसे लिखूंगा दो दूनी चार दूनी आठ ऐसे लिख सकता हूं मतलब दो की पावर तीन तो मैं लिख सकता हूं ना दो की पावर क्या लिख सकता हूं तीन तो मैं दो की पावर तीन लिख रहा हूं प्यारे बच्चों और उसकी पावर कितनी है एक्स प्लस तीन अब एक पावर ब्रेकिट के अंदर है एक पावर ब्रेकिट के बाहर है तो दोनों पावर गुणा में होंगी। तो दो की पावर क्या हुआ पांच एक्स प्लस तीन दो की पावर क्या हुआ पांच एक्स प्लस तीन और दो की पावर यहां से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों दो की पावर यहां से हो जाएगा तीन एक्स प्लस का नो दो की पावर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यहां से दो की पावर हो जाएगा तीन एक्स प्लस का नो प्यारे बच्चों क्योंकि इनके आधार बराबर है इसलिए इनकी घात भी बराबर हो तो प्यारे बच्चों यहां से आ जाएगा पांच एक्स प्लस का तीन बराबर घात बराबर आनी चाहिए तीन एक्स प्लस का, का नो है प्यारे बच्चों आप एक्स एक्स वाले एक तरफ रखिए और बिना एक्स वाले एक तरफ रखिए आप एक्स एक्स वाले एक तरफ रखिए प्यारे बच्चों और बिना एक्स वाले एक तरफ रखिए ये तीन एक्स को आप इधर लेके जाएंगे तो ये तीन एक्स उधर प्लस का है इधर जाके माइनस का हो ये नो है यहां पर ये तीन इधर प्लस का है बराबर के उधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा यानी कि प्यारे बच्चों ये हुआ पांच में से अगर मैंने घटाया तो दो एक्स एक्स में से यदि मैंने घटाया तो दो एक्स बचेगा प्यारे बच्चों और नो में से यदि मैं तीन घटाऊंगा तो कितना आएगा छ आएगा कितना आएगा छ आएगा समझ रहे हो तो एक्स बराबर कितना अब ये दो इधर गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा उधर जाके डिवाइड में हो दो तिया छह तो मतलब प्यारे साथियों क्या आपकी समझ में आया ये सब क्या आपकी समझ में आया प्यारे बच्चों ये जल्दी से बताइए तीन जल्दी से बताइए क्या आप सब लोगों की समझ में आया प्यारे बच्चों ये <laughs> हाँ, बहुत बढ़िया क्या आया तीन चलिए जरा अगले सवाल पर चलते हैं प्यारे बच्चों सभी बच्चे प्रयास करेंगे यहां पर x की वैल्यू क्या होगी सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से बताइए यहां पर x की वैल्यू क्या होगी जल्दी से सभी बच्चे बताइए Solve the following equation for x. बताइए प्यारे बच्चों यहां से क्या उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपको ये कम से कम में तोड़ना जैसे यहां चार की पावर दो एक्स है तो आपको इसे ऐसा प्रयास करना है कि इसे दो तक लेकर जाया जाए ठीक है चलिए बताइए प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से जल्दी से सभी बच्चे इसका उत्तर बताएंगे प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए बिल्कुल आराम आराम से कॉपी पेन सभी बच्चे लेकर बैठेंगे और उत्तर बताने का प्रयास करेंगे ठीक है सुनो ध्यान से जैसे दो, चार की पावर क्या दे रखा है, मुझे चार की पावर दो एक्स दे रखा रखा है है मुझे की पावर बराबर बटा क्या दे रखा है एक बटा बत्तीस दे रखा है अब ये चार की पावर दो एक्स है तो क्या मैं चार को दो की पावर दो लिख सकता हूं हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं क्योंकि दो दूनी चार होते हैं भाई दो की पावर दो अगर कर आप करेंगे मेरे प्यारो तो दो गुणा दो मतलब दो दूनी चार ही तो आएगा क्या आएगा चार आएगा तो दो की पावर दो लिख दिया इस चार को और उसकी पावर कितनी है उसकी पावर है दो एक्स से सुनिए आप ये जो बत्तीस है मेरे प्यारो ये जो बत्तीस है मेरे प्यारो क्या बत्तीस के टुकड़े आप जानते हैं दो की पावर पांच बत्तीस होता है कोई बात नहीं ऐसे देख लो दो से काट लो सोलह आया दो से काटो आठ आया दो से काटो चार आया दो से काटो दो आया और दो से काटेंगे एक आएगा मतलब बत्तीस बराबर क्या आ जाएगा बत्तीस बराबर आ जाएगा दो की पावर पांच बत्तीस बराबर क्या आ जाएगा पहले साथियों बराबर की पावर आ जाएगा सुन रहे हो तो यहां पर दो की पावर क्या आया पांच आया दो की पावर क्या आया पांच आया प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था अगर कोई पावर नीचे प्लस में है तो ऊपर लेके जाओगे माइनस बनेगा अगर ऊपर माइनस में नीचे लेके जाओगे प्लस मतलब साइन बदल जाएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा पावर का तो दो की पावर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों इन दोनों की गुणा हो जाएगी तो दो दूनी चार एक्स भाई दो गुणा दो एक्स ऐसी तो आएगा दो की पावर और ये ऊपर जाके पावर माइनस में तो दो की पावर माइनस का पांच आया तो दो की पावर कितना हो जाएगा दो दूनी चार एक्स हो जाएगा बराबर कितना हुआ दो की पावर माइनस का पाँच हुआ दो की पावर क्या हुआ प्यारे बच्चों माइनस का पाँच हुआ अगर इनके आधार बराबर हैं प्यारे बच्चों यदि इनके आधार बराबर हैं, तो बिल्कुल पक्की सी बात है कि इनकी घात भी बराबर होगी और क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, आधार बराबर तो इनकी घात भी बराबर होगी प्यारे बच्चों बताइए जल्दी से इनकी घात क्या होगी दोनों को बराबर रख दो यानी कि चार एक्स बराबर क्या आया चार एक्स बराबर माइनस के पांच आया चार एक्स बराबर क्या आया चार एक्स बराबर माइनस के पांच आया ठीक है अब ध्यान से सुनो ये चार इधर गुना में उधर जाके भाग में चला जाएगा तो एक्स बराबर माइनस के पांच बटा चार आ जाएगा एक्स बराबर क्या आ जाएगा माइनस के पांच बटा चार एक्स बराबर क्या आ जाएगा प्यारे साथियों माइनस के पांच बटा चार आ जाएगा समझ रहे हो आप सभी बच्चे जल्दी से जल्दी इस वीडियो को क्या कर दो लाइक कर दो आप सभी बच्चे जल्दी से जल्दी इस वीडियो को क्या कर दो इस वीडियो को आप सभी बच्चे लाइक कर दो प्यारे बच्चों इस वाले सवाल का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है और प्यारे बच्चों आप सभी को इस वाले सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है और आप सभी को ये भी बताना है कि आप में से कौन कौन बच्चे पोलोटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ताकि हमें पता चले इस ध्यान रखना कमेंट बॉक्स में जाकर सभी को कमेंट करना है कि मैं कम पोलोटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ या मैं तैयारी कर रहा हूँ पोलोटेक्निक प्रवेश परीक्षा की जिससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ आप तैयारी कर रहे हैं और आपको कहाँ से उठाकर कहाँ तक लेके जाना है ठीक है प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वाले सवाल का उत्तर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जाकर देना है ठीक है कॉपी पेन पे आराम से सोल्व करिएगा तब आराम से उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर ठीक है प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं ठीक है सभी बच्चे मिलकर बोलेंगे एक बार बोलिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम